आज हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर के योग किया है। वैसे तो भारत के परंपरा में ही योग रहा है, भारत के ऋषियों ने इसको सभी लोगों को दिया, लेकिन हम इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने विशेष प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की मांग किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में घोषित किया, और उसी का परिणाम है कि विश्व के कम से कम 124 से अधिक देशों में सर्वप्रथम शुरू हुआ योग का अभ्यास। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के आयुष विभाग ने भी इस रिज के मैदान पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया, सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। योग सतत प्रक्रिया है और उसको निश्चित रूप से सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए करना चाहिए।